विकास खंड बाराकोट में श्रम विभाग का शिविर लगने के बाद भी श्रम कार्ड न बनने पर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने श्रम विभाग और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने श्रम कार्ड बनाने के लिए लोहागाड या चंपावत में मुख्य कार्यालय खोलने की मांग भी उठाई। ओखलंज के ग्राम प्रधान के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने श्रम कार्ड न बनने पर गहरी नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने कहा कि डीएम चंपावत से मांग के बाद बमुश्किल श्रम विभाग ने बरसों के बाद बाराकोट में शिविर लगाया। विकासखंड में दूर दराज से महिला और पुरुष श्रमिक भारी बारिश के चलते अपना काम छोड़कर सुबह ही बाराकोट पहुंच गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि श्रम विभाग ने किसी के कार्ड तो नहीं बनाए, सिर्फ पंजीकरण और विभागीय जानकारियां देते रहे और कई ग्रामीणों के पंजीकरण भी छूट गए। जिला श्रम परिवर्तन अधिकारी के द्वारा श्रम कार्ड बनाने के लिए फिंगरप्रिंट देने के लिए टनकपुर आने के लिए कहा गया, जिसका ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध कर विभाग और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि गरीब श्रमिक टनकपुर की दौड़ लगाने में असमर्थ है। ग्रामीणों ने कहा कि 150 किलोमीटर दूर टनकपुर जाने से बचने के लिए उन्होंने डीएम चंपावत से शिविर लगाने की गुहार लगाई थी। डीएम चंपावत ने उनकी मांग का संज्ञान भी लिया, लेकिन श्रम विभाग की कार्यप्रणाली के चलते कोई फायदा नहीं हुआ। परसों जब 5 तारीख को यहाँ पर पिछले महीने तहसील दिवस हुआ था, तो हम सभी ग्राम प्रधानों ने उनके सामने विषय रखा था कि जो श्रम विभाग के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया जाता है, उसके लिए हमें टनकपुर जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है श्रमिकों को। उसके लिए हमने उनको ये बोला था कि भाई ब्लॉक स्तर पर इस श्रम विभाग के द्वारा एक कैंप लगाया जाए, लेकिन आज उस कैंप का यहाँ पर आयोजन किया गया था। बड़ी दूर दूर से काफ़ी श्रमिक लोग आए हुए थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उन्होंने खाली एक खानापूर्ति की, क्योंकि फिर उन श्रमिकों को फॉर्म जमा करने के बाद दोबारा फिर अपने आर्थिक बोझ को हमने कम करने के लिए उनको यहाँ विभाग में कैंप लगाने के लिए बोला था। लेकिन श्रम विभाग का कहना यह है कि श्रमिक को सिर्फ यहाँ फॉर्म जमा करना पड़ेगा, लेकिन उसको अपने फिंगर देने के लिए फिर टनकपुर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक गरीब श्रमिक इतनी दूर अपने फिंगर के लिए नहीं जा सकता। हमारा कहना यह था कि आप ब्लॉक में कैंप लगाकर यहीं पर उस कार्रवाई को किया जाए, उसको श्रमिक को मतलब तत्काल वहाँ पर श्रम विभाग के द्वारा उसका कार्ड उपलब्ध कराया जाए। तो लेकिन ऐसी प्रक्रिया कुछ हुई नहीं, लेकिन जब हमने श्रम विभाग के अधिकारी से पूछा गया तो उनका कहना यह था कि हमारे पास इतनी बड़ी मशीन है कि हम उस मशीन को यहाँ ब्लॉक में नहीं ला सकते। तो एक श्रमिक यहाँ से इतनी दूर टनकपुर जा सकता है, लेकिन विभाग के द्वारा हमारा आने वाले भविष्य में ये मांग है कि या तो उस श्रम विभाग का जो सिस्टम है उसको लोहाघाट या चंपावत में शिफ्ट किया जाए, और नहीं तो पहाड़ से लोग इतनी दूर एक अपना कार्ड बनाने के लिए गरीब मजदूर नहीं जा सकता है।